मैंने और मेहरुन्निसा ने निकाह कर लिया। तुम शादी करने वाले थे मेहरुन्निसा से? नहीं नहीं नहीं, मैंने शादी नहीं की, मैं दोनों की शादी करवा रहा था। ये जो रिश्ता तुमने बनाया है ना, इसके बाद सारे रिश्ते खत्म। वो मामूली लड़का जिसको मैं नौकरी से निकलवाने वाला था, वो आज बिजनेस एम्पायर को टेक ओवर करने वाला है। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उठें, हिम्मत करें। दिखा चुका हूँ, इलाज भी तजवीज़ कर दिया है। क्या क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे ऑपरेशन होगा, दो आर्टरीज ब्लॉक है, 6-7 लग जाएंगे। 6-7 लाख? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको बता के क्या होता, आप डॉक्टर हैं, दवाइयां खा रहा हूं मैं, ठीक हो जाऊंगा। और ऑपरेशन? ऑपरेशन के फिर ऑपरेशन की सगत नहीं है मुझमें, दवाइयों से जब तक काम चल रहा है चलाता। अरे क्या मतलब काम चलाएंगे? अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो फिर ऑपरेशन नहीं है मेरे पास, सुन लिया आपने, चाहिए मुझे आराम करने दीजिए। मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ। कैसी शॉपिंग? कपड़ों जूतों की शॉपिंग और भी बहुत सारी चीज़ों की। अरे नहीं भाई, मुझे कोई कपड़ों का शौक नहीं है, यूनिवर्सिटी में 4 साल मैंने 2 टी-शर्ट 2 जीन्स पे निकाल ली थे सुकून से। तो मुझे शौक है। हाँ तो ले आप अपने लिए, करें शॉपिंग। तो आपके लिए करूँगी तो अपने लिए करूँगी ना। हाँ लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है, और वैसे ही मुझे अपनी जॉब पर जाना है। जॉब? फरीद एंड कंपनी में जॉब कर रहे हो ना? बड़ी मुश्किल से अच्छी नौकरी मिली है, काफ़ी अरसा बेरोजगार बैठने के बाद, मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। रिजाइन कर दो। क्यों? बड़ी मुश्किल से अच्छी जॉब मिली है मेरू, आप तो अमीर खातून हैं, आपका तो गुजारा हो जाएगा, मेरा जो भी जेब खर्च है वो इसी से निकलता है। तो तुम मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो और अपना जेब खर्च निकाल लो उसमें से। मेरू मैं ये नहीं कर सकता प्लीज, वैसे भी हमने दुनिया की बहुत रस्म रिवाज तोड़ी है, आपको पैसे देने के बजाय आपसे पैसे लेना मुझे मंजूर नहीं है प्लीज। जी बाजी, जल्दी से मेरा पर्स ले आओ। फरीद भाई हमारे फैमिली फ्रेंड है, बिजनेस पार्टनर भी हैं, और तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, तो अब कैसा लगेगा कि उनकी फर्म में तुम क्लरिकल जॉब करो? अरे तो मैं छोड़ दूंगा ना, आपकी इज्जत के खातिर मैं रिजाइन कर दूंगा, मगर ये कार्ड वार्ड नहीं लूंगा मैं। जॉब भी छोड़ दोगे, कार्ड भी नहीं लोगे, फिर खर्चा कैसे करोगे? अरे तो कोई जॉब ढूंढ लूंगा, मसला क्या है? मेरा क्या खर्चा है, घर का और खाने का वो आपने देख लिया, कपड़ों का मुझे शौक है नहीं। उफ, ये ले। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने किसी मलंग बंदे से शादी कर ली है। हम और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों के बाद। प्लीज ये कार्ड लो, रखो इसे। मेहरू मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए प्लीज। जिद्दी भी हो तुम। सूरों पर डटे रहने को जिद्दी थोड़ी कहते हैं। एक सेकंड। शकील कॉल कर रहा है, मैं जरा बात करके आता हूँ रेजिग्नेशन की, और ये कार्ड अपने पास रखे, नहीं चाहिए मुझे। हेलो मिनाल, फोन उठा लो। अस्सलाम वालेकुम, फरीद अंकल कैसे हैं आप? जी जी, एक्चुअली आपके साथ मीटिंग थी, आपके ऑफिस आना था, मगर मगर क्या? मगर शायद मैं
आंटी का ऑफिस कंटिन्यू ना कर पाऊं। क्यों? एक्चुअली हुआ ये है कि आंटी ने दूसरी शादी कर लिया। रियली? आई डोंट नो अंकल, आंटी को उस लड़के में क्या नजर आया। वैसे तो काफी सुलझी हुई है। इससे पहले आंटी मुझे फारिग करे, मैं खुद यहाँ से रिजाइन देना चाह रहा हूँ। और वो लड़का जिससे आंटी ने शादी की है, वो आपकी कंपनी में ही मामूली सा क्लर्क है। ये तो बड़ी अजीब खबर सुनाई तुमने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। भाभी तो अच्छा, खैर छोड़ो, जो पिछली डील हमने की थी उसका क्या हुआ? अंकल उसकी फिक्र ना करें आप, अजीज भाई और मैं हमारी फर्म में हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे भी हमारे ताल्लुकात तो अब इतने बन चुके हैं। शादी करनी हुई तो कम से कम अपना स्टेटस तो देख लेते हैं। अफान को पता है इस बात का? मैं जा रहा हूँ, मैडम कॉल करके बता दीजिएगा। कहाँ जा रहे हैं? उनको बता दीजिएगा, वो समझ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। वसीम साहब जरा मेरे कमरे में आइए। हेलो। हेलो नैयरा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? नैयरा मैं ठीक हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? हम दोस्त हैं, मिलते हैं, पार्टी करते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, लेकिन क्यों, हुआ क्या है? मेहरून निसा ने दूसरी शादी कर ली और तुमने हमें बताया भी नहीं। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे? क्या, मेहरून निसा ने शादी कर ली? अच्छा बनो मत, जैसे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सबसे क्लोज फ्रेंड हो तुम उसकी। बहुत हैंडसम लड़का है वैसे। खूब लंबा हाथ मार रहा है मेहरून निसा ने। मुझे वाकई इल्म नहीं था। छुपाने वाली बात तो नहीं है वैसे, तुमसे मशवरा तो किया होगा उसने। ये उसकी जाती जिंदगी है, जो मर्जी चाहे करे। हाँ है तो उसकी जाती जिंदगी, उसकी मर्जी, जो भी करे। खैर कल हमने पार्टी रखी है मेहरून निसा और उसके हस्बैंड के लिए, तुम आना जरूर। ठीक, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अजीब बात है, शादी कर ली। सुना सुना, लेकिन झूठ बोल रही है ये। मैं मान ही नहीं सकती कि इसे पता ना हो, ये हम सबके सामने बन रही है। अच्छा एक बात बताओ, लड़का कैसा है? लड़का बहुत यंग और हैंडसम है। सीरियसली? लेकिन फिर भी मेहरून निसा को शर्म आनी चाहिए अपने से कम उम्र के लड़के के साथ शादी करते हुए। और मुझे तो हैरत इस बात पर है कि उसके बच्चों ने कैसे ये सब बर्दाश्त कर लिया। बच्चों की शादी करके ही तो अपनी शादी की है। पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वैसे वो लड़का कौन सा मुखलिस है उससे? देख लेना, पैसा लूट कर भाग जाएगा। सब पैसे का गेम है। यस यू आर राइट, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी यार, मेहरून निसा के मजे बहुत हैं। मजे नहीं है, बेशर्मी है। हाँ सही कह रही हो तुम। खैर और सुनाओ? वो भी आज जा रहे हैं फाइनली आगे। हेलो। अच्छा दोस्त चलता हूँ। अरे हम चलते ना आपको एयरपोर्ट छोड़ने, क्यों मेहरू? नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, मैंने गाड़ी मंगवा ली है। देखो तुम मेहरू का ख्याल रखना। गाड़ियाँ नहीं हूँ इसका। हाँ अब बेफिक्र, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो कोई अच्छी सी लड़की देख के प्लीज सेटल हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स यस। अच्छा मैं चलता हूँ। आपस से मुलाकात हुई आपकी? नहीं वो कहीं गई नहीं है। तो ओके ओके थैंक यू। लीजिए। थैंक यू माहिर। इब्तिसाम चले गए, आप अभी घर पे नहीं है। मिनाल और अफान भी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। सोचो अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होते तो मैं क्या करती? ये लोग चले गए क्योंकि ये जानते हैं कि मैं हूं आपकी जिंदगी में। मेरू अल्लाह ताला कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। मुझे ही देख लें, माँ बाप नहीं रहे, महबूबा नहीं रही, लेकिन बीवी मिल गई। पेरेंट्स से बात की है आपने? बताया उन्हें शादी का? नहीं। क्यों, खुफिया रखना चाहते हो?
छुपाना चाहते हो शादी को? नहीं, किसी से कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं बस नहीं चाहता अपने माँ बाप को बताऊं, अपनी खुशियों में शामिल नहीं करना चाहता। माँ बाप के साथ इस तरह ला ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ला ताल्लुक वो हुए थे, मैं तो बस उनकी ला ताल्लुकी का एहतराम कर रहा हूँ। मगर क्या मगर? कोई मगर वगैरह नहीं। चले, बहुत बोर हो रहे हैं, हम मूवी देखने चलते हैं। एक बहुत अच्छी मूवी लगी है। मूवी? नहीं तो आपका क्या प्लान है, यहीं पे बैठिए, बोर होना है? नहीं, जल्दी से आप तैयार हो फिर हम चलते हैं। अच्छे, अब तक मैं चाय खत्म करूं। ठीक है, जाओ। हाँ हाँ, वेटिंग। मुद्दतों के बाद हम भी सर फिर ऐसे हो गए हैं, जो कभी ना था हमारा हम उसे के हो गए हैं। तेरे जाने के बाद हमने यार खुद को हेलो नीरा। हाँ बिल्कुल। अरे ये कोई पूछने की बात है? ओके ठीक है। जी सफदर साहब। अच्छा ठीक है, अभी बताती हूँ आपको मैं, फिक्र नहीं करें। ओके अल्लाह हाफिज़। भाई मुझे तो सुस्त और कायल कर देंगी आप। जॉब से रिजाइन करवा दिया है, नई जॉब का पता नहीं क्या होगा मेरा। अब अकेला नहीं हूं मैं, बीवी भी है मेरे साथ। उसको जवाब देनी हूं लेकिन उसके सामने शर्मिंदा जरूर होता हूँ। हल निकला है आपकी बेरोजगारी का? क्या हल निकला? आप तैयार हो और जाइए मेरे ऑफिस। मैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। क्यों? मुझे आपके ऑफिस और आपके बिजनेस को नहीं संभालना, कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। दिलचस्पी हो ना हो, संभालना तो पड़ेगा भाई। वो जमीर है ना, जमीर देख लेगा। जमीर जा चुका है। तो अफान संभाल लेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम ऑफिस जाओ, मामलात को संभालो जब तक अफान नहीं आता। मेरू से आपको जाना चाहिए, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस, आप संभालें। अगर मैं इस काबिल होती तो मैं तुम्हारे से मदद मांगती। प्लीज माहिर, इनकार नहीं करो, समझो मैं तुम्हें जॉब दे रही हूं। मगर मैं ऑफिस जाऊंगा मैं किस तरह? कोई अगर मगर नहीं, तैयार हो जाओ, सफदर साहब तुम्हें सब समझा देंगे। अभी नीरा आने वाली है, अदरवाइज मैं साथ चली जाती। चलो नाश्ता करो। Thank you.
यार मेरे ऑफिस में एक कॉफी भेज देना प्लीज। बाजी बाजी आज आप कितनी प्यारी लग रही हैं तैयार होके। पहले प्यारी नहीं लगती थी जब तैयार होती थी तो? लगती थी मगर अब बहुत प्यारी लग रही हैं। लगता है अब ना आप दिल से तैयार हुई हैं, और दिल से तैयार तो इंसान जब भी होता है ना, जब वो दिल से खुश भी हो। आप पहले तैयार होती थी मगर खुश नहीं लगती थी, अब देखें कितनी खुश लगती हैं आप। बड़ी समझदार हो तुम, कैसे कर लेती हो ऐसी बातें। सारी उम्र नानी के साथ गुजार दी मैंने अपनी, अब बड़ों के साथ रह रहे के बड़ों वाली बातें भी आ जाती हैं। ये ले। मैं तो आपको बताने ही भूल गई, कब से नैयरा बाजी नीचे आई हुई है। अच्छा ऐसे करो चाय की तैयारी करो। जी मैं बस कर रही हूँ, ये ले। थैंक यू। इस फाइल में सब मौजूद है, अगर आप कहें तो फाइनेंस से वसीम साहब को बुला लेता हूँ। खुद देख लूंगा। जी आप जा सकते हैं। जी सर। मेरे बारे में जानना चाहते हैं ना? मैं जमीर साहब को तो जानता था, वो हिदायत साहब के दामाद हैं और अफ़ान साहब को भी, मगर आप? और मैडम से मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, और आप सोच रहे होंगे मैं उस ऑफिस में क्या कर रहा हूँ, है ना? जी सर। सॉरी सर, मेरा मतलब है कि आपका तजस्सुस गलत नहीं है, आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही समझता। सर मैं मैडम और हिदायत साहब का पुराना मुलाजिम, मुझे तो जो हिदायत साहब कहते थे और अब मैडम कहती है मैं तो वही करता। मुझसे तो ये कहा गया कि माहिर साहब आएंगे, माहिर जहांगीर साहब जमीर साहब की जगह, तो आप? बेटे और दामाद को तो आप जान चुके हैं। जी जी। और मुझे भी जानना है, शौहर हूँ मैं, मैडम मैं उन्होंने सका, कुछ दिन पहले शादी की हमने। जी शौहर मैडम के? तो मैडम का शौहर नहीं हो सकता, बेटा और दामाद हो सकता है, शौहर क्यों नहीं हो सकता? और शौहर होता है तो बेटा और दामाद आते हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो सफदर साहब आप यहाँ के ईमानदार पुराने वफादार एम्प्लॉई हैं ना? जी। तो फिर ये रिकॉर्ड में पिछले साल के पूरा जो रिकॉर्ड है उसमें तो लॉस है, क्यों? वो सर वो बात ये है कि बोले बोले हम लिसनिंग। सर वो नैयरा दोस्त से मिलने आई और इतनी नाराज शक्ल लेके। दोस्त ने हरकत ही ऐसी की है कि मुझे गैरों से पता चल रहा है कि तुमने शादी कर ली। अफशा ने बताया? जिसने भी बताया, बस तुम्ही ने नहीं बताया मुझे। हाँ कर ली, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं बता ही नहीं सकी। सच पूछो तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता, इतना बड़ा कदम उठा लिया मैंने। प्लीज बैठो। सर बहुत खफा हूँ तुमसे। नहीं रहा, पहले ही सारी दुनिया मुझसे खफा है, अब तुम उनमें शामिल होना चाहती हो। दुनिया के असूल तोड़ोगी तो दुनिया खफा ही होगी ना। अच्छा प्लीज बैठो। अच्छा ये बताओ वो है कौन जिसकी वजह से तुमने दुनिया को अपनी जूते की नोक पे रख दिया? माहिर। अब के सोचा मैं वो करूं जो मैं करना चाहती हूं, गलत या सही अपना फैसला, दिल का फैसला। माहिर वो लड़का जो तुमसे 10-15 साल छोटा है, वही वही। तुमने तो कहा था कि अगर दोनों पे यकीन नहीं है तो फिर इब्तिसाम क्यों, माहिर क्यों नहीं? तो मैंने सोचा कि धोखा ही खाना है तो धोखा दिल फरेब तो हो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हें चीट करेगा? अगर ऐसा है तो फिर तुमने क्यों अपने आप को इस मुसीबत में डाला? कहीं कोई बड़ा नुकसान ना उठा लो, तुम्हारी बिजनेस, तुम्हारी प्रॉपर्टी। मेरा माहिर ने जो मुझे खुशी दी है ना, अगर वो छोटी मोटी बेईमानी कर भी लेता है ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर बस तुमने शादी की है, मोहब्बत नहीं की? मोहब्बत? और इस उम्र में? वैसे तो शादी भी नहीं इस उम्र में करनी चाहिए, लेकिन मैंने कर ली।
मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, और तुम यकीन करो जिस दिन तुम्हें माहिर से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो तुम्हें उसकी बेईमानियाँ, उसकी ये धोखे बहुत तकलीफ देंगे। और अक्सर शादी में मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत नहीं होती तो आदत तो पड़ ही जाएगी। फिलहाल तो हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, मुझे सहारे और साथी की, और उसे दौलत और स्टेटस की। अच्छा फिर कब मिला रही हो मुझे माहिर से? जब तुम हमें दावत पे बुलाओगी। क्लब की लेडी से तुम्हें दावत पे बुलाना चाह रही हैं? फोन तो आ गया होगा उनका। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उनकी दावत पे। उन्हें गॉसिप चाहिए मेरे और माहिर की शक्ल में, और फिलहाल मैं बिल्कुल मौजूए गुफ्तगु नहीं बनना चाहती। तुम्हें पता ही है सोशल मीडिया की मुसीबत का ना। हाँ सही कह रही हो। अच्छा अफान और मिनाल, उनका क्या रिएक्शन है सब में? मिनाल और जमीर तो बहुत नाराज हैं। अफान आएगा तो पता चलेगा, जाहिर है वो भी बहुत नाराज होगा। डोंट वरी, बस तुम्हें और माहिर को ये सब कुछ टैक्टफुली हैंडल करना है। अच्छा ये तो बताओ कब आ रही हो मेरी तरफ अपनी शादी की दावत खाने? जब तुम बुलाओगी आ जाएंगे। सर दरअसल कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट कंपनी का हाथ से निकल। और किसके हाथ में चले गए? छोटा मोर बड़ी बात हो जाएगी। अरे बोलिए ना, सुन रहा हूँ। जमीर साहब की कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलना है, और खास तौर पे फरीद एंड कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट। फरीद एंड को और आरएम ग्रुप में फैमिली टर्म्स नहीं है, फिर ये कैसे हुआ? सर जमीर साहब कह रहे थे कि मैडम नहीं चाहती कि फरीद एंड कंपनी के साथ मजीद काम किया जाए, क्योंकि मिसेस फरीद के साथ उनकी नाराजगी चल रही है। आई सी। आपने मैडम से पूछा? सर कैसे पूछ सकता था, जमीर साहब उनके दामाद हैं, वो गलत बयानी क्यों करेंगे? इन पूछना तो चाहिए था ना, कंपनी के प्रोजेक्ट सारे जमीर साहब को जा रहे हैं तो बात गलत है ना? दरअसल जमीर साहब ने मुझे मना किया था, मैं ये समझा कि शायद ये मैडम के कहने पे कह रहे हैं, इसलिए मैंने बात नहीं की। ठीक है आप जा सकते। सर वो फाइल? नहीं, फाइल मेरे पास है, जो बाकी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसकी फाइल लिख रहा है मेरे पास। ठीक है मैं बताता हूँ आप। थैंक यू। जमीर साहब अपने जमीर को सुलाकर बेजमीर हो गए। यार मेरू कहाँ फंसा दिया आपने मुझे यार, ना वलीमा हुआ है ना हनीमून, और ऑफिस भेज दिया आपने मुझे। नहीं अब ठीक है, मैं अब ऑफिस में हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा है। हाँ अब तो मैं बिजी हूँ। हाँ मैं आपसे शाम में मुलाकात करूँगा, अभी तो नहीं आ सकता भाई। ओके फिर ओके आता हूँ। ओके हाय। तो संडे को ही कर लेना ठीक है ना, ताकि फिर वो माहिर भी आ जाएगा और फरीद भाई से। मैं घर जाती हूँ फिर बात करती हूँ। नैयरा, तुम नैयरा हो ना फरीद की बेगम? जी आप? मैं दुर्दाना हूँ, मिनाल और अफान की पुप्पो। ओ दुर्दाना आपा, कैसी हैं आप? बहुत साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, हिदायत भाई की बहन और मेहरुन्निसा की भाभी। कहाँ की भाभी, इन्होंने बताया नहीं आपको? क्या गुल खिलाया है इन्होंने? गालिबन आप मेहरुन्निसा की शादी की बात कर रहे हैं? गालिबन नहीं यकीनन। भाई हमें तो ये कुछ समझती नहीं, तुम्हें समझाया होता मेहरुन्निसा बेगम को? आपा समझाया तो वहां जाता है ना जब कोई गलती कर रहा हो, मेहरुन्निसा ने तो कोई गलती नहीं की, तो मैं क्या समझाती? हाँ मेहरुन्निसा बता रही थी कि आप कनाडा में रहने के बावजूद अपनी रसूमात और रिवायात को बहुत फॉलो करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहां की हवा नहीं लगी, अमेरिका में रहे कनाडा में रहे, लेकिन मैंने अपना असल नहीं छोड़ा, वहां के माशरे की अच्छाइयां अपनाई, खामियां नहीं। वहां की अच्छाइयां तो ये भी है ना कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की जाती, हर एक को जीने का हक मिलता है, और हमारा मजहब भी तो ये कहता है कि दूसरों की टो में नहीं रहना चाहिए। मेरे वजीफे का वक्त हो गया है, वरना बहस करना मुझे भी आता है, और मैं चाहलों के मुंह नहीं लगती। अरे
सुन लिया, भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने से यही होता है। वो तो तुम्हें भाभी ही नहीं मान रही थी, फिर कर क्या रही है यहाँ पे दुर्दाना आपा? मेरे गलत फैसले के बुरे अंजाम का इंतजार कर रही है। अरे तुम भी ना मजबूत रहो, ना फैसला गलत था ना अंजाम बुरा होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाय, तो मेरा इतना अरे 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 मेरी हड्डी बड्डी टूट जाएगी, क्यों इतने खुश हो? कैद से आजाद होकर आ रहा हूँ, कैसे खुश ना हो? ऐसे कैसे गिर जाएंगे, इतने कमजोर बाजू नहीं है मेरे। बहुत मजबूत बाजू है, लेकिन मेरी उम्र नहीं है इस तरह घूमने की। के वास्ते मुझसे अपनी उम्र का जिक्र मत किया करें। जिक्र ना करने से क्या होता है, उम्र का फर्क तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते हुए चांद की तरह वाजे होता जाएगा, अब मोहब्बत कम होती जाएगी। मुकम्मल चांद देखा कभी आपने? हाँ कई बार। नहीं देखा, इस बार मेरे साथ देखें। वो देखें मुकम्मल चांद। इस वक्त आसमान में इससे ज्यादा हसीन चीज कोई नहीं, मुकम्मल वाज़े भरपूर चीज मुकम्मल है, इंसान मुकम्मल, इसे मोहब्बत ही मुकम्मल हो जाती है, जिस तरह मुझे आपसे। कभी कभी सोचता हूँ मैं, अगर आपसे शादी नहीं होती नरमिंदर शादी हो जाती, अच्छी बेचैन रहता, भटकता फिरता मैं, मुझे समझ ही नहीं आता मेरे साथ क्या मसला है। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। लोगों की परवाह नहीं है। कैसा दिन रहा तुम्हारा? अच्छा रहा। बिजी, टायरिंग, फाइल पढ़ते पढ़ते, काम समझते समझते गुजर गया पूरा दिन। सफदर साहब ने मदद की तुम्हारी? हाँ मिले थे, अच्छे इंसान है। आपने क्या किया? नहीं आ गई थी, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, हम दोनों को डिनर पे बुला रही है, फरीद भाई के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। फरीदन को? हिदायत के ना सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनकी बेगम नैरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उम्र में बड़ी हैं लेकिन हमारी बहुत ज्यादा दोस्ती है। आप जानती हैं मैं वहां जॉब करता था, फरीद साहब बॉस थे मेरे। तो कोई मुश्किल है उनका सामना करने में? नहीं मुझे तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो बस आपके लिए कह रहा था। आपने फरीद साहब के ऑफिस में काम करने वाले एक मामूली से एम्प्लॉय से शादी कर ली, को बुरा लग सकता है, आपके बिजनेस में मुश्किल हो सकती है। मेरी जाती जिंदगी से किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, मेरे लिए अहम सिर्फ मेरे बच्चे और तुम हो, और अगर दुनिया की मैंने इतनी परवाह और फिक्र करनी होती ना, मैं ये सब ना करती। फरीद भाई को अगर कोई मसला है ना, नैरा समझा देगी उन्हें, वो जानती है, सपोर्ट करती है मुझे। सर जमीर साहब कह रहे थे कि मैडम नहीं चाहती कि फरीद एंड कंपनी के साथ मजीद काम किया जाए, क्योंकि मिसेस फरीद के साथ उनकी नाराजगी चल रही है। क्या हुआ है? ठीक है रही। तो ये फरीद साहब की वाइफ आपकी दोस्त है? हाँ, मेरी बड़ी बहनों की तरह है। जब हिदायत से मेरी शादी हुई थी ना, मैं सिर्फ 16 साल की थी, कुछ नहीं आता था मुझे, ना पहनना ना ओढ़ना ना लोगों से मिलना। मेरी बहुत मदद की है नैरा ने। फिर तो जाना जरूरी है, नैरा आपकी दोस्त और फरीद साहब आपके बिजनेस पार्टनर, दोस्ती और बिजनेस के लिए जाना जरूरी है। और जीन्स और टी शर्ट में नहीं मेरू, प्लीज प्लीज मुझसे ये कपड़ों वपड़ों की बातें मत किया करें आप। बस अब तय हो गया, कल हमने शॉपिंग करनी है और वीकेंड पे हम जा रहे हैं नैरा और फरीद भाई की तरफ। बस ओके बॉस। इस वीकेंड मेहरुनिसा और उसके शौहर को मैं डिनर पे इनवाइट कर रही हूँ,
मिसेस हिदायत की बात कर रही हो? मिसेस माहिर हैं वो, माहिर जहांगीर, उसके शौहर का ये नाम है। जानती हो माहिर जहांगीर मेरी फर्म में एक मामूली सा क्लर्क हुआ करता था। अच्छा, तुम बताया नहीं भाभी ने? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ठीक है आपकी फर्म में जॉब करता होगा, लेकिन अब वो मेहरुन्निसा का शौहर है। तो तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी कंपनी के एक साबिका मुलाजिम को यहाँ मेहमान का प्रोटोकॉल दूँ, यहाँ अपने साथ बैठा के उसे खाना खिलाऊँ, मेहमानदारी करूँ उसकी? आई एम सॉरी, आई कांट डू इट। कैसी बातें कर रहे हैं, वो मेरी दोस्त का शौहर है और आप उसकी हैसियत पैसों में तोल रहे हैं? तोलनी पड़ती है, हर शख्स को उसकी हैसियत और मकाम के हिसाब से देखना पड़ता है। पता नहीं भाभी को क्या हो गया, एक राह चलते लड़के से शादी कर ली, ना अपना स्टेटस देखा ना अपनी उम्र का तकाजा देखा। आई एम सॉरी फरीद, ये सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। हर शख्स का हक है कि वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जिए, चाहे वो औरत हो या मर्द। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी सोच इतनी फरसूदा क्यों होती जा रही है। खैर, मैं मेहरुन्निसा को इनवाइट कर रही हूं, आप घर पे रहिएगा और माहिर को वही इज्जत दीजिएगा जो आप मेहरुन्निसा और हिदायत भाई को देते थे। मेरी ये उम्मीद है कि आप उन सबसे अच्छी तरह मुलाकात करेंगे। ठीक है, आप इस घर की मालिका हैं, लेकिन मेरे मूड की तो नहीं है। जी सदर साहब। ओके ठीक है, रात हो सफदर साहब की कॉल थी। कौन सफदर? सफदर साहब तुम्हारे डैड के ऑफिस में जो थे, भूल गई? ओ अंकल सफदर। तुम्हारे नए डैड ने ऑफिस का होल्ड संभाल लिया। जमी प्लीज, तुम्हें पता है मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। मिनाल में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। वो चलाक लड़का तुम्हारे ऑफिस में बैठा है, उसको चार्ज दे दिया गया है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, तुम तो कुछ नहीं कर सकती ना, जो करेगा वो मकान लड़का करेगा, जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम करवा लेगा। मुझे तो लग रहा है एक दिन आंटी को इन सब चीजें बेदखल कर देगा। माँ को इस बात का एहसास नहीं है, उन्होंने तो हमें बर्बाद कर दिया है। मुझे तो अपनी फिक्र है, ये लड़का जरूर मेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, भड़काएगा आंटी को मेरे खिलाफ। तुम्हारे खिलाफ क्यों? मैं इस लड़की की औकात अच्छी तरह जानता हूँ। फरीद अंगली कंपनी में छोटा सा मुलाजिम था, ये अकल ठिकाने लगा दी थी मैंने उसकी। अब तो फान ही कुछ कर सकता है। मुझे उन प्रोजेक्ट्स की टेंशन है जो मैंने इतनी खुशी और शौक से शुरू किए थे, सब बर्बाद कर देगा ये। तुम परेशान मत हो, कोई माँ को तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकता। बहुत चाहती है तुम। मेरी नीयत तो साफ थी, बाकी अल्लाह मालिक है। मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम अफशान आंटी। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम्हारी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपने से कम उम्र लड़के से। आंटी मैं एक्चुअली जिम जा रही हूँ, आपको बाद में कॉल कर सकती हूँ? ओ मेरा बेबी, मुझे पता है तुम्हारे दुख का अंदाजा है मुझे, लेकिन ये बात तो पूरे क्लब में फैल चुकी है। हेलो हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, क्या हुआ? मिनाल बात ही नहीं कर रही, खुद तो फोन करती नहीं और मैं कर रही हूं तो उठा नहीं रही। नफरत करने लगी है मुझसे। नफरत कैसे करेगी? नफरत मैं अपने माँ बाप से नहीं कर सका अब तक। हाँ ये बच्चों को नाराज होने का वक्त और थोड़ा स्टैमिना ज्यादा होता है, और मुझे ही देखना। तो फिर क्या करूं? वक्त करेगा जो भी करेगा,
आप बस कोशिश कर सकती हैं, बाकी जो भी नतीजा होगा वक्त आपके सामने लेकर आ जाएगा। फिर चलें? कहाँ? शॉपिंग पे। अरे नहीं भाई प्लीज यार। उठो। अच्छा इस तरह जबरदस्ती मुझे लेके जा? हाँ जबरदस्ती लेके, मगर मैं फिर ज्यादा शॉपिंग वॉपिंग नहीं करूंगा प्लीज। अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा। ये माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहा है आपको बेटा।